गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजलीज स्टाइल। तो जहां हम बात करेंगे फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड मैनी मोर थिंग्स की। आज का जो मेरा वीडियो है वो होने वाला है इयररिंग्स के ऊपर, जो कि आप इजीली घर बैठे बैठे बना सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो मैं बता देती हूँ। इसके लिए चाहिए एक कटर, एक फैब्रिक ग्लू, एक कुछ चेन जो मैंने दो कलर में ली है, सिल्वर एंड पिंक, कुछ कार्डबोर्ड, स्केल एंड सीजर। सो ये बनेगा इस टाइप का इयररिंग, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइज, इस टाइप के जो इयररिंग्स हैं आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं और पहन के काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। सो मैंने मेज़रमेंट लिया है लाइक दिस, स्केल एंड पेंसिल की हेल्प से आप ऐसे मेज़रमेंट लेंगे तो देख सकते हैं 2.5 एंड 3, इतना ये मेज़रमेंट लिया है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो ये मैंने कट कर ली हैं दो ट्रायंगुलर शेप। अब मैंने लिया है फैब्रिक जो है कि लाइट पिंक कलर। बाकी गाइज, अगर आपके पास डार्क पिंक कलर का फैब्रिक है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो अभी मैं इसे ग्लू की हेल्प से कुछ इस तरीके से चिपकाऊंगी, देख सकते हैं आप। वन बाय वन आप इसे इस तरीके से स्टिक करेंगे लाइक दिस। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, तीनों साइड से इसको अच्छे से कवर अप कर लिया है। फिर इसको आप थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ेंगे। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि ये सूख चुका है तो अब मैं इस पर वर्क करना स्टार्ट करूँगी। मैंने ली है पिंक कलर की चेन। एक्चुअली गाइज, ये रेड कलर की दिख रही है इसमें, लेकिन इसका कलर जो है पिंक है। सो गाइज, अब मैं कर रही हूँ कुछ पीसेस कट अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, जिस लेंथ के मुझे इयररिंग बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग लाइक दिस। काफ़ी सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, अब मैं इन्हें स्टिक करूँगी। तो जो 3 सेंटीमीटर का मैंने मेज़रमेंट लिया था उससे मैं स्टक करना स्टार्ट करूँगी लाइक दिस। तो वन बाय वन आप इसको ऐसे चिपकाएंगे और साथ ही साथ आप किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसको प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, और बीच बीच में अपना हाथ भी साफ़ करेंगे बिकॉज़ ये जो गम है फैब्रिक के आगे नहीं लगना चाहिए, काफ़ी दाग दाग से दिखते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते हैं बाद में। तो गाइज, वन बाय वन मैंने सारे चिपका लिए हैं और कर लिया है अपना प्रोसेस कंप्लीट। थोड़ी देर के लिए फिर इसे सूखने के लिए छोड़ेंगे, 1 या 2 मिनट्स। एक्चुअली जिस ग्लू से मैं इसे चिपका रही हूँ वो ना साथ साथ जो है सूख भी जाता है। ये कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं वर्क करना स्टार्ट करूँगी इसके फ्रंट पे। तो मैंने लगा लिया है ग्लू अगेन। तो जैसे जो इसके कॉर्नर हैं, सबसे पहले हम कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन इसे तीनों साइड से चिपकाएंगे। गाइस, इसे बिल्कुल सीधा ही चिपकाएं, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो थोड़ी फिनिशिंग ख़राब होगी। चिपकाने के बाद आप किसी मतलब उसके इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से भी इसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मोती चेन है काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, तो इसको आप इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से भी सेट कर सकते हैं। और कटर मैंने जो लिया है, बिल्कुल मैं कहते हैं ना, बिल्कुल नोक वाली पॉइंट से आपको कट करना है ताकि जो चेन की फिनिशिंग है वो ख़राब ना हो। इसी तरीके से अब मैंने अंदर वर्क्स करना स्टार्ट कर दिया है और इसी तरीके से मैं इसको पूरा भरने वाली हूँ। सो गाइस, चेन के बीच में ना बिल्कुल भी गैप मत छोड़िएगा, बिकॉज़ वो गैप दिखेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। सो कोशिश कीजिएगा कि आप चेन को जो है बिल्कुल चिपका चिपका कर ही लगाएं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप नेल कटर भी यूज़ कर सकते हैं। सो है ना ये अच्छा आइडिया। सो मैंने पिंक कलर की आउटलाइनिंग तो पूरी कर ली है और अब मैं वर्क करूँगी स्टार्ट अंदर सिल्वर भरने का, सिल्वर चेन भरने का। तो सेम इसी तरीके से आप अंदर सिल्वर चेन भी भरेंगे। तो अभी नीचे से भी इसकी लेंथ देख सकते हैं, ऊपर नीचे है, अभी इक्वल नहीं है। तो इसे हम जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा कट करेंगे। तो जैसा कि ये बन चुका है इयररिंग, तो अब मैं जो नीचे है इसकी फिनिशिंग देने वाली हूँ लाइक दिस। एक सिरे से आप पकड़ेंगे और इसी तरीके से आप जो पूरा आपका इयररिंग है उसको वन बाय वन कट करेंगे नीचे से, जिसकी लेंथ ज़्यादा या कम लग रही है आपको। सो गाइज, कंप्लीट हो चुका है फ्रंट में हमारा इयररिंग्स का वर्क, और जो साइड से फैब्रिक विजिबल हो रहा था वहाँ पे भी मैंने एक लेयर और लगा दी है। सो अब हम बैक पे वर्क करेंगे। तो बैक पे वर्क करने के लिए या तो आप सेम कलर का फैब्रिक ले सकते हैं
वैक्स स्ट्रिप ले सकते हैं और उसी की शेप में आप इसको काटेंगे ट्रायंगुलर शेप में। तो पहले मैंने जो थर्ड पिन है उसको चिपकाया है, उसके बाद ये मैंने फैब्रिक चिपकाना स्टार्ट किया है जो कि विद इन 2 से 3 मिनट्स ईजिली सूख जाएगा। तो देख सकते हैं बैक में हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है, फ्रंट में भी, और ये बन गए हैं हमारे ब्यूटीफुल से इयररिंग्स जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं, चेन वाले इयररिंग। सो गाइज, आप इसी तरीके से काफ़ी सारी शेप में इसे क्रिएट कर सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, जो भी आपको शेप पसंद हो। तो मैंने इसी तरीके से एक और बनाए हैं ब्लू कलर में, तो ये मैंने स्क्वायर में लिया है और इसका कलर है ब्लू। तो कलर भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सो गाइज, होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में जिसमें मैं आपके लिए लेके आऊँगी एक न्यू डिज़ाइन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।